यस स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारे पास है माइक्रोवेव इंडोर यूनिट पावर अलार्म यूनिट। पावर अलार्म यूनिट से मुराद ये है जी, मेरे पास क्या है, डैशबोर्ड है आईडीयू का। डैशबोर्ड में आपको पोर्ट नजर आएगी, अलार्म नजर आएंगे और इसकी जो है एमसेन लैन पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्डर बाय नजर आ रही है। ये जो मैंने ब्रीफिंग दी है आपको, ये आपके पास पावर अलार्म, मेंटेनेंस अलार्म, ओडीयू आउटडोर यूनिट अलार्म और आईडीयू इंडोर यूनिट अलार्म आएगा। पावर अलार्म से मुराद मैंने कहा ग्रीन येलो रेड। ग्रीन से मुराद ये है कि वर्किंग सिस्टम, येलो से एरर आ रहे हैं सिस्टम पे और रेड जो है कम्युनिकेशन फेलियर है। इसके बाद जब हम आते हैं मेंटेनेंस अलार्म पे, तो इसका मतलब ये है कि ओडीयू का मेंटेनेंस करना है। तो ओडीयू के मेंटेनेंस में भी हमारे पास तीन अलार्म है। पहले अलार्म को हम कहते हैं ग्रीन, यानी कि हमारा सिस्टम मेंटेनेंस ग्रोथ नहीं है, सही चल रहा है। उसके बाद जब येलो अलार्म आता है मेंटेनेंस का, तो हम कहते हैं कि चेक लिस्ट इसमें है, मेजर एफ डेफिशिएंसी, चेक कनेक्टर, पोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लो वोल्टेज या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया। मेंटेनेंस में आप ये पांच छह जो है ये मेजर फॉल्ट है। ओडीयू अलार्म जो है वो मैंने यहां शो किया है, ग्रीन नॉर्मल वर्किंग है, येलो सिग्नल जो आपका रिसीविंग है वो फिलोर हो रहा है, ओडीयू का ओडीयू जनरेट एरर कर रहा है, सॉफ्टवेयर क्रप्ट है और फॉल्ट इन कनेक्टर, क्या फीडर कनेक्टर में फॉल्ट आ सकता है। ये आपके ओडीयू के अलार्म है। आखिर में हम देखते हैं आईडीयू के अलार्म, इंडोर के अपने के अलार्म है। उसमें ग्रीन जब होगा तो हम कहते हैं कि आपका आईडीयू नॉर्मल काम कर रहा है। जब येलो आता है तो आर एस सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा, इंटरफेरेंस आ रही है, हार्डवेयर ट्रबल है या सॉफ्टवेयर क्रप्ट हो गया है। और अगर रेड है तो बेहतर यही है कि आईडीयू रिप्लेस कर दिया जाए या इंटरफेरेंस चेक कर दी जाए, मैनेजमेंट सिस्टम चेक किया जाए या उसमें पावर सप्लाई चेक किया जाए। जरा बेहतर मेरे साथ इकट्ठा कहेंगे आप।